आज झारखंड में हेमंत कैबिनेट की बैठक होनी है। ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि कुछ महीनों में झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में हेमंत कैबिनेट की ये जो बैठक है अपने आप में बेहद अहम और महत्वपूर्ण हो जाती है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, कई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। खास तौर पर अगर आप बीते दिनों झारखंड की स्थिति देखें और झारखंड में सरकार ने जो वादे किए हैं रोजगार को लेकर, नियुक्तियों को लेकर और प्रभावी तरीके से योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर, उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सरकार इस बैठक में कोशिश करेगी कि जो वादे किए गए हैं उन वादों पर खरा उतरने के लिए, उन वादों को अमली जामा पहनाने के लिए आज जो है वो रणनीति तैयार की जाए, रोडमैप तैयार किया जाए। और चुनावी साल है, ऐसे में चूँकि वक्त कम है सरकार के पास और जो कैबिनेट की बैठकें हो रही हैं उसको सरकार कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज किया जाए, क्योंकि काफ़ी कम समय में चुनाव होने हैं। ऐसे में कैबिनेट की बैठक पर सबकी निगाहें टिकी होती हैं कि जब चुनाव होने हैं, चुनाव से पहले की बैठक में सरकार क्या कुछ फैसले लेती है, राज्य हित में क्या फैसले लिए जाते हैं, राज्य हित की कौन सी बातें होती है और कौन सी योजनाओं को लेकर सरकार कैबिनेट में जो है डिस्कशन करती है, क्या कुछ प्रमुख चीज़ों पर विचार विमर्श होता है। इन तमाम चीज़ों को अगर आप देखें तो ये बैठक काफ़ी अहम है। शाम 4 बजे से ये बैठक शुरू होगी। हेमंत सोरेन खुद इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे जो झारखंड के सीएम हैं। और इस बैठक पर देखिए युवाओं की नज़रें टिकी हुई हैं, सहायक शिक्षकों की नज़रें टिकी हुई हैं, नियुक्तियों के आस में बैठे युवाओं की नज़रें टिकी हुई हैं। इसके अलावा लगातार जो आंदोलन करते आ रहे हैं, चाहे वो राज्य के पारा शिक्षक हों, सहायक पुलिस हों, इन तमाम लोगों की जो नज़रें हैं इस कैबिनेट की बैठक पर टिकी हुई हैं। कैबिनेट की बैठक आज आयोजित की गई है। आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये काफ़ी अहम बैठक मानी जा रही है। आगामी कुछ महीनों में झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में इस बैठक पर निगाहें सबकी टिकी हुई हैं कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ फैसले होते हैं, सरकार जिन योजनाओं पर काम कर रही है, जिन योजनाओं को धरातल पर उतारने की बात सरकार की ओर से कही जा रही है, क्या उन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए, क्या उन योजनाओं को एक नई दिशा देने के लिए आज सरकार क्या इस बैठक में उन तमाम चीज़ों को अमली जामा पहनाती है और क्या कुछ फैसले आज होता है, क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, तमाम चीज़ों को देखते हुए ये बैठक अपने आप में बेहद अहम, बेहद ज़रूरी हो जाती है। राज्य के युवाओं की नज़रें जो है इस बैठक पर टिकी हुई हैं, राज्य के सहायक पुलिस कर्मियों की जो नज़रें हैं वो इस बैठक पर टिकी हुई हैं, राज्य में युवा जो हैं जो नियुक्ति की आस में बैठे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अपने घर से दूर जो है वो नौकरी की आस में रांची में हैं, इन तमाम अगर आप बिंदुओं को देखें तो इस बैठक से कहीं ना कहीं सबकी उम्मीदें, आशाएँ और अपेक्षाएँ जुड़ी हुई हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन भी हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। मदन, आज एक अहम कैबिनेट की बैठक हेमंत कैबिनेट की बुलाई गई है, शाम 4 बजे से ये बैठक होगी। मदन, बेहद अहम ये बैठक हो जाती है, आगामी कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में योजनाओं को किस तरीके से धरातल पर उतारा जाए इसको लेकर सरकार चर्चा करेगी, इसके अलावा कौन सी चीज़ों पर आज इस बैठक में नजरें टिकी रहेंगी मदन? देखिए बिल्कुल, अब ये जो चुनाव से पहले अगर आप कहें घोषणा चुनाव आयोग के द्वारा होगा तो उससे पहले सरकार जो है अपने वादों को अधिक से अधिक पूरा करने की कोशिश कैबिनेट के माध्यम से कर रही है। ऐसे में देखिए कई नई योजनाओं का घोषणा भी सरकार ने किया, चाहे 200 यूनिट बिजली मुफ्त हो या फिर मैया सम्मान योजना हो, कई तरह के फैसले जो है सरकार ने बड़े बड़े लिए हैं। तो अब देखना होगा कि आज के कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्योंकि युवाओं की नजर जो है जरूर हेमंत सरकार की कैबिनेट पर रहती है कि किस तरह से रोजगार के नए नए अवसर जो है सरकार प्रदान करे। तो ऐसे में कई जो सहायक पुलिस कर्मी है
जो अनुबंध कर्मी है उनकी नजर भी कैबिनेट की बैठक पर है। तो सरकार राज्य के विकास के लिए कैबिनेट के माध्यम से जो फैसला लेती है, इसके पूरे राज्य के लोगों की निगाहें जो है वो टिकी हुई है। चलिए, तो इस कैबिनेट की बैठक पर राज्य के लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, युवाओं की उम्मीदें और अपेक्षाएं भी इस कैबिनेट की बैठक पर टिकी हुई हैं। राज्य के सहायक पुलिस, सहायक शिक्षक, सबकी उम्मीदें कहीं ना कहीं इस बैठक पर टिकी हुई हैं। देखना है इस बैठक से क्या कुछ सामने निकल करके आता है, क्या कोई राहत राज्यवासियों को सरकार देती है। बहुत बहुत धन्यवाद मदन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। धनबाद के कतरास, बागमारा, हरीना, डुमरा इलाके में एकमात्र ISO सर्टिफाइड अवनीत हेल्थ केयर हॉस्पिटल, यहां आपको जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर आशीष कुमार के कुशल नेतृत्व में मिलेगी न्यूरोसर्जरी के अलावा विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनी, जनरल सर्जरी, ऑर्थो, पीडियाट्रिक, डेंटिस्ट्री, यूरोलॉजी समेत संपूर्ण तरह की सुविधा। साथ ही 10 किलोमीटर तक की निशुल्क एम्बुलेंस सेवा भी यहां उपलब्ध है। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।